बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को लेकर पहुंच रहे हैं, तो आरजेडी के तेजस्वी यादव भी पूरा दम लगाकर हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी ने बिहार में एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे सत्ता पक्ष का परेशान होना तय है। तो क्या है तेजस्वी का नया प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके। और अपने इस ख्वाब को साकार करने के लिए अब तेजस्वी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अहम निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि 2020 में हर हाल में आरजेडी की ही सरकार बनेगी। वहीं तेजस्वी ने एनडीए को सत्ता से बेदखल करने के लिए राम नाम को भी अपनाने का मन बना लिया है। तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि भगवान राम बनकर आपको शबरी के बेर खाने होंगे और कृष्ण की तरह सुदामा के चरण भी धोने होंगे, तब जाकर 2020 में हमारी सरकार बनेगी। साफ है कि श्री राम के सहारे तेजस्वी बेड़ा पार करना चाह रहे हैं। राम नाम के साथ तेजस्वी यादव ने अपनी बेरोजगारी हटाओ रैली के दौरान कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि 2020 में हमारी सरकार सत्ता में आए, तो सबसे पहले आपको अपना आचरण और स्वभाव बदलना होगा। तेजस्वी ने कहा कि आज हमारी पार्टी बदल रही है, और अगर पहले कभी हमारी पार्टी से कोई भूल चूक हुई है तो आप उसे भुला दें। हम बदलाव की ओर हैं, और आप सभी को ये विश्वास भी दिलाते हैं कि ना सिर्फ हम आप सबको साथ लेकर चलेंगे, बल्कि आपके विश्वास पर 100% खरे भी उतरेंगे। इसके बाद तेजस्वी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि 2020 में हमारी पार्टी की सरकार बने, तो आपको कृष्ण बनकर सुदामा के पैर भी धोने होंगे और भगवान राम बनकर शबरी के बेर भी खाने होंगे। दरअसल नए फॉर्मूले से तेजस्वी पार्टी पर लगे उस दाग को धोना चाहते हैं, इसके चलते आगड़े और दलित उनसे बहुत दूर चले गए हैं। अब तेजस्वी जोर तो पूरा लगा रहे हैं, लेकिन उनकी ये रणनीति उनके मुताबिक काम करेगी और उन्हें जीत दिला पाएगी या नहीं, ये तो बिहार की जनता को ही तय करना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।